आरसीबी और आईपीएल ट्रॉफी की ये जो दूरी है ना, ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 17 साल का इंतज़ार, अब 18 साल का इंतज़ार हो चुका है। अब इस साल का अपना आमदे इस साल तो नहीं हो पाएगा, अगले साल की आरसीबी की टीम कर सकती है क्या? राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट मुकाबला, और आरसीबी की हार के 3 सबसे बड़े गुनाहगार खिलाड़ियों की मैं बात करने वाला हूँ, जिनकी वजह से आरसीबी की नैया पूरी तरीके से डूब गई। नहीं तो एक समय ये मुकाबला आरसीबी जीत सकती थी, आरसीबी के हाथ में मुकाबला आ चुका था, परंतु उन 3 खिलाड़ियों ने नैया डुबा दी, जो आरसीबी की टीम एक विनिंग ट्रैक पे लगी हुई थी। 6 बैक टू बैक मुकाबले जीत कर प्लेऑफ्स में एंट्री मारी थी, और एंट्री भी ऐसी मारी थी कि 5 टाइम आईपीएल टीम चैंपियन सीएसके को हरा के एंट्री मारी थी। राजस्थान रॉयल्स जहाँ पे 4 बैक टू बैक मुकाबले हार के आ रही थी, वहीं आरसीबी की टीम 6 बैक टू बैक मुकाबले जीत कर आ रही थी। हर कोई ये मान के चल रहा था कि राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे फेवरेट नहीं है, यहाँ पे आरसीबी टीम फेवरेट है, क्योंकि उनके पास विनिंग मोमेंटम है। देखो वही बात होती है ना, आपने जो पास्ट में कर दिया ना, वो पास्ट में कर दिया। और राजस्थान रॉयल्स ने बताया कि वो चैंपियन टीम है, इस साल पूरे आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक, हम 4 बैक टू बैक मुकाबले हारे होंगे, पर हमें पता है कि बड़े मुकाबलों में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया जाता है। वही बड़े मुकाबलों में आरसीबी की टीम पूरी तरीके से लेक करती हुई नजर आई। पहला तो सबसे बड़ा रीजन यही है, मैं खिलाड़ियों की तो बात करने वाला हूं, सबसे बड़ा रीजन है पुअर फील्डिंग देखने को मिला, पुअर शॉट सिलेक्शन देखने को मिली आरसीबी के खिलाड़ियों से। अकेला विराट कोहली ऐसा नजर आ रहा था फील्डिंग के दौरान कि अकेला विराट कोहली लड़ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। तो वो कौन से 3 खिलाड़ी रहे जो आरसीबी की हार के गुनहगार रहे, तो चलिए मैं बताता हूँ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स कंसर्ट फैमिली का आप हिस्सा बन जाइए। दिनेश कार्तिक भाई साहब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, पहली गेंद पे किस्मत इतनी बड़ी मेहरबान थी कि पहली गेंद पे वो आउट थे, एलपीडब्ल्यू दे दिया गया था। आवेश खान गेंदबाजी कर रहे थे, ऑन फील्ड एम्पायर ने आउट दे दिया था। उसके बाद में उस वक्त दिनेश कार्तिक डीआरएस लेते हैं और थर्ड एम्पायर जो होते हैं उनको नोट आउट देते थे, जो आउट था क्लियरली वो आउट था। उसके बाद में दिनेश कार्तिक की ऐसी इनिंग जो भुलाने वाली इनिंग होगी, आईपीएल की उनकी लास्ट इनिंग थी, क्योंकि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं कि आईपीएल उनका लास्ट आईपीएल है। 13 गेंदों में मात्र 11 रन बना के जाते हैं यार। दिनेश कार्तिक जैसे फिनिशर जिनकी डेथ में स्ट्राइक रेट लास्ट 15 से 20 ओवर के अंदर 222 की स्ट्राइक रेट है, वहां पर हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि दिनेश कार्तिक भाई साहब आएंगे ना आरसीबी के लिए 13 गेंदों में 11 रन नहीं, 13 गेंदों में 30 रन बना के जाएंगे। आप सोचिए 13 में अगर 30 बना के जाते 19 रन और होते तो आरसीबी टीम ये मुकाबला जीत सकती थी, आरसीबी के हाथ में ये मुकाबला पूरी तरीके से आ सकता था। महिपा लोबरोड की वो एक पारी, एक जुझारू पारी, एक फाइटिंग नोक देखने को मिली है। इसके अलावा आरसीबी के सभी बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंटमेंट किया, चाहे फेफ डू प्लेसिस की बात कर लीजिए, विराट कोहली बड़ा मुकाबला है ना एलिमिनेटर मुकाबले में, विराट कोहली से अभी तक 1 भी 50 रन नहीं बनाया यार, तो ये बड़ी चिंता की बात है कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज एलिमिनेटर मुकाबले में 1 भी 50 रन नहीं बना पाया, एक बार भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अभी तक भी प्लेऑफ्स के मुकाबलों में नहीं ले पाया है। विराट कोहली लड़े, जुझारूपन दिखाया, पर मैं बता रहा हूं। इसके अलावा रजत पाटीदार यार, याद करिए 2022 में जब एलिमिनेटर मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीता था आरसीबी ने, उस दिन रजत पाटीदार ने ही वो पारी खेली थी और बहुत आसान सा कैच उनका छोड़ा था, उसके बाद में भी रजत पाटीदार आउट हो जाते हैं। और लास्ट जो गुनहगार है ना, सबसे बड़ा जो गुनहगार है आरसीबी की हार का, वो ग्लेन मैक्सवेल भाई साहब है। ग्लेन मैक्सवेल भाई साहब, अगर आपका खेलने का मन ही नहीं है ना, तो वैसे आप साफ मना कर सकते थे मैच शुरू होने से पहले। मैच शुरू हो गया, आप ग्राउंड पे आ चुके हो, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हो, टॉस हो चुका है, मैच शुरू हो चुका है, उसके बाद में अगर आपका मन नहीं है खेलने का, तो भी आप मन लगा के खेलिए ना। पहली गेंद पे रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ जो शॉर्ट सिलेक्शन लिया ना ग्लेन मैक्सवेल ने यार, ऐसा लग रहा था चलो भाई खेल देता हूँ यार, चला गया तो छक्का ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था बेमन। कई बार अब हम खेलते हैं ना यार, मन ही नहीं है, चलो खेलने चले गए यार, गली क्रिकेट में चले जाते हैं यार, आज तो मन नहीं है, फिर भी दोस्तों ने फोर्स किया, आ जाइए भाइयों, आ जाइए खेल लेते हैं कुछ कर लेते हैं, दोस्तों ने सबने फोर्स किया तो हम खेलने के लिए चले गए, खेलने चले गए, पर वो मन नहीं लग रहा ना, तो शॉर्ट सिलेक्शन भी ठीक है आ गई तो ठीक है, वो स्थिति थी। वो ग्लेन मैक्सवेल का शॉर्ट देखने को मिला, ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पे आउट होते हैं, फिर फील्डिंग में टीकेसी का बहुत आसान सा कैच बाउंड्री के ऊपर। यार ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी से हम उम्मीद करके चलते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी उस कैच को पकड़ेंगे, पहले तो पहली गेंद पे आउट होते हैं, बेमन वाला शॉट खेलते हैं, फिर कैच छोड़ देते हैं, ऐसा नजर आ रहा था कि मन ही नहीं है उनका खेलने का, जबरदस्ती उनको खिलाया जा रहा है। इसके बाद में एक रनआउट का मौका था, फेफ डू प्लेसिस ने बॉल रोक के वो बॉल दी थी,
ग्लेन मैक्सवेल को, अगर वो थ्रो भी सटीक आता तो वहां पे रियान प्राग आउट हो सकते थे। तो ग्लेन मैक्सवेल पहले तो बेमन वो शॉट के लिए पहली गेंद पे आउट हुए, फिर वो कैच छूटा, फिर एक रनआउट का चांसेस मिस किया। तो सबसे बड़ा जो गुनहगार है आरसीबी की हार का ग्लेन मैक्सवेल है, जिसको मुझे नहीं लगता कि आरसीबी के फैंस उठा के तो ना रखे। आरसीबी की हार का कारण ग्लेन मैक्सवेल की वजह से है, नहीं तो विराट कोहली अकेले लड़ते हुए नजर आए। ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के लिए नजर आते हैं ना, वो इस पूरे आईपीएल में आरसीबी के लिए एक मुकाबले में भी नजर नहीं आए। अब आरसीबी का सफर समाप्त हो चुका है, आरसीबी की टीम अगले साल आके मिलेगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की जीत का सबसे बड़ा कारण दो ही खिलाड़ी है भाई साहब, ट्रेंट बोल्ट, चार ओवर आउटस्टैंडिंग डाले, एक विकेट दिया। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भाई साहब, पूरे टूर्नामेंट में रविचंद्रन अश्विन ने वो गेंदबाजी नहीं खेली है जो गेंदबाजी हम मान के चलते हैं कि अश्विन भाई साहब करके जाएंगे, परंतु बड़ा मैच था, बड़ा दिन था। मैच शुरू होने से पहले रविचंद्रन अश्विन ने मैसेज भी किया है विराट कोहली को कि बड़ा मैच है, मैं इस फाइट के लिए वेट कर रहा हूं। उस बड़े मैच में चार ओवर में 19 रन देके, मात्र चार ओवर में 19 रन देके दो विकेट लेके चले जाते हैं, दो बड़े विकेट लेके चले जाते हैं भाई साहब, दो बैक टू बैक। ग्लेन मैक्सवेल का विकेट भी उन्होंने लिया है। तो ट्रेंट बोल्ट देखो, फिर बल्लेबाजों ने यशस्वी जायसवाल की 45 रन की पारी है, हेटमायर ने भी 26 अच्छे रन बना दिए, रमन पावेल का फिनिशिंग टच देखने को मिल गया, रियान पराग की पारी आ गई। पर जो जीत की स्क्रिप्ट लिखी ना राजस्थान रॉयल्स की, वो ट्रेंट बोल्ट की पावर प्ले में बॉलिंग, जब तीन ओवर में मात्र 6 रन दिए पावर प्ले के अंदर। वही जो मिडिल ओवर का फेज था, 6 से 15 ओवर का फेज, वहां पे जो रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजी करी, मात्र 4 ओवर में 19 रन दिए, उसी गेंदबाजी की बदौलत यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम मुकाबला जीती है और क्वालिफायर टू में प्रवेश कर चुकी है, जहां पे उनका सामना 24 मई को SRS से होने वाला है और चेन्नई में वो मुकाबला खेला जाएगा। उम्मीद ये करके चल रहे हैं कि धमाकेदार मुकाबला हो।